ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और आज का वाला जो मिशन है ना भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि लेस्टर और माइकल ने मिलकर इस सिटी की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी करने का प्लान बनाया था। और उसने ये भी बताया था कि भाई उस ज्वेलरी शॉप में मतलब कितने बड़े बड़े चोर, हैकर्स वगैरह सब फेल हो गए थे वहां पर चोरी करने में। अब ये और माइकल मिलकर वहां पर जाने वाले और देखते हैं भाई चोरी कन्फर्म मतलब सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने वाली है। और वो शॉप इस शहर की मतलब लॉस सैंटोस की सबसे तगड़ी ज्वेलरी शॉप है। वहां पर बहुत सारा डायमंड है, मतलब कि अगर वहां समझ लो चोरी सक्सेसफुल हो गई तो माइकल भैया बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, मतलब करोड़पति आदमी बन जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं उस शॉप में गया था, मैंने देखा था भाई वहां पर इतना सारा डायमंड है ना भाई, पूछो मत। तो फिलहाल अभी चलते हैं सबसे पहले लेस्टर के पास। लेस्टर ने जो काम बोला है उसका कर आता है। और यहां पर आप देख लो, सबसे पहले आपको फ्रंट से लुक दिखाया था अपने गैराज की। अब आप लोग कह रहे हो कि यार लैम्बोर्गिनी का कलर क्यों चेंज करवा दिया। अब कलर चेंज करवाने का मेन रीजन मेरा यही था ताकि बाइक जैसा लगने लग जाए। देखो यार, बाइक का कलर भी वैसे ही है और कार का कलर भी वैसे ही हो जाएगा, वैसे बड़ा प्यारा कलर लग रहा है। तो आज हम लेकर जाने वाले अपनी लैम्बोर्गिनी को, क्योंकि यार हाँ ये मतलब कि जो अपनी हार्ले जैसी बाइक है इसको चलाने में भी मजा आता है, बट अपनी लैम्बोर्गिनी का अलग स्वाद है। तो सबसे पहले चलते हैं जहाँ पर हमें जाना है, लेस्टर ने हमें जहाँ पर बुलाया था। तो ये है वो जगह, HS करके इस जगह का नाम है। चलकर देखते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है। लग रहा है कुछ तगड़ा ही मिशन ये वाला होने वाला है। और बाकी यार दिन में इतनी ज़बरदस्त लुक तो नहीं आ रही, क्योंकि नीचे जो लाइट्स है ना उसका मजा एकदम रात में ही है। तो फटाफट इसे भगा कर लेकर चलते हैं उस जगह पर। ओके, तो भाई साहब स्पीड देखना बस तुम, राइट में जो स्पीड लिख कर आ रही है ना ब्लू एंड व्हाइट कलर से, उस स्पीड पर थोड़ा फोकस करना। मैं बिल्कुल जरा सी रेस दे रहा हूँ और ये 100 भाई, मतलब मजाक हो रहा है क्या 100। ये देखो भाई 200 तो यूं पहुंच जाती है। बाकी इस कार को चलाना ना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब यार कोई आसान खेल नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ भाई साहब, ये वही वाली कार है जो कि हमने उसको गिफ्ट करी थी चुरा कर PM से। बट यार अपना जो एडिशन है ना भाई, वो एक डिफरेंट एडिशन है। यहाँ पर आपको वैसी कार कहीं पर भी दिखने नहीं वाली। उसका एकदम कलर जो है ना वो मिरर वाला है, जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा होगा उसका कलर एकदम मिरर वाला है, ऐसा कलर नहीं है। तो वो जो कार है भाई पूरी बुलेट प्रूफ है, आपने देखा होगा भाई टूटी नहीं थी। ये देखो, ये ग्रे कलर की है, एक टाइप से भी सिल्वर है, बट वो एक मिरर कलर है, क्रोम कलर उसे कहते हैं। अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है। यार मैं इतनी धीरे क्यों चला रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लैम्बोर्गिनी रिपेयर करवा लेंगे, टूट गई तो यार तेज भगाते हैं। क्योंकि यार तोके का ऐसे अभी हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ से बस हमें राइट लेना है। ओके, तो मैं यहाँ से राइट हो जाता हूँ। किसी अंदर फैक्ट्री जैसा कोई एरिया लग रहा है। और भैया उड़ के मानेगी क्या, मतलब यार इतनी तेज चलते यार एक गाड़ी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। धीरे चलाओगे ना तो भैया रॉक एंड रोल बन जाती है एक मिनट में, मतलब कसम से। अब यहाँ पर कोई HS कर जगह है, और यहाँ पर हमें करना क्या है मेरे को ये देखना सबसे पहले। तो मेरे को अपनी गाड़ी को जो यहाँ पर राइट में लेना है, और यहाँ पर बग स्टार्स करके कोई जगह है, यहाँ से करना क्या है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर बंदे लाल ड्रेस में खड़े हुए हैं। ओके, तो इनको मारना मुरना है क्या मेरे को लग रहा है। ओके, तो अंदर तीन गाड़ियाँ खड़ी है, और तीन गाड़ियों से लग रहा है हमें कोई एक ना एक गाड़ी लेनी है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ये वाली जो कार है से उठा लेता हूँ सबसे पहले, तो लग रहा है ये वाली कार लेनी है। ओके, गेट भी खुले हुए। ओ भाई ये तो लड़ने पे आकर रुक जा तेरी भैंस की टांग, तेरे को समझाऊं क्या अभी। बग स्टार हो गया तो क्या हो गया भाई, इनको मारने क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ, इनको मार ही देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं मार दूंगा। निकल लो यहाँ से तीनों, हाँ जी निकल लो निकल लो निकल लो, पहली फुर्सत में मेरे को एक गाड़ी ले आने दो चुपचाप। ओके, तो सबसे पहले हमें पुलिस से छुटकारा पाना है, और ये लोग भी भैया आ गए हैं बिल्कुल। तो अपनी गाड़ी हम यहीं खड़ी करते हैं, बाद में आकर ले जाएंगे। ओ भाई हेलो भाई साहब, पुलिस वाले तो एकदम क्या टक्कर मार रहे कतई, और ये लोग आ कहाँ से रहे हैं भाई। अच्छा, इधर भी एक रोड आ रखा है नीचे से, तो मैं इनसे तो आराम से बच जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुलिस वालों से बच जाएंगे। तो चलो यार, पुलिस वालों से तो पीछा छूट गया मैं, एक नॉर्मल सी गली में जाकर ना ऐसे सुनसान एरिया में जाकर खड़े हो जाओ, पुलिस वाले बस ढूंढ ना पाए तुम्हें और अपने आप ही पीछा छोड़ देते हैं वो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस गाड़ी को लेकर जाना है येलो वाले मार्क पर, और वहाँ पर लेकर इन्हें देना है, पता नहीं खड़ा करना है क्या सीन है। बट जो भी है मेरे को मिशन जो है तगड़ा ही लग रहा है। और ये मैं कौन कौन से रास्ते से जा रहा हूँ भाई, इन रस्तों पे तो मैं आज तक नहीं आया कसम से भाई, ये कौन सा रोड है। खैर, जो हमारी लोकेशन थी वहाँ पर तो हम पहुँचने वाले। और ये बग स्टार्स कोई कंपनी है, पता नहीं क्या काम करती है, बट गाड़ी के पीछे कॉकरोच का साइन बना हुआ, पता नहीं घरों पर जाकर शायद कॉकरोच वोकरोच पकड़ते होंगे। बट जैसा भी मिशन है भाई, अब चोरी की जो स्टार्टिंग है यहाँ से हो चुकी है। अभी देखते हैं पता नहीं क्या क्या यहाँ पर अब इस मिशन में हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बग स्टार्स की वैन जो हमने लाकर यहाँ पर खड़ी कर दी है। अब यहाँ पर एक जो मिशन था हमारा कंप्लीट हो गया, हमने वैन लाकर इन्हें दे दी है। अब यहाँ पर एक और HS कर मिशन आ गया, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या करना है।
लेस्टर को कॉल करके देखता हूँ भैया क्या सीन है, रुक जाओ लेस्टर को मैं कॉल लगा देता हूँ। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं हाईवे पर और यहाँ से ना भी एक वैन जाने वाली है जो कि लेस्टर ने हमें यहाँ पर भेजा और उसने कहा कि ये वाली वैन हमें और चुरानी है। पता नहीं उसे इस वैन का क्या काम है, देखते हैं। वो जो HS करके वैन है अभी तो फिलहाल यहाँ तक पहुंची नहीं, अभी वो काफ़ी दूर है, तो हम ही उसके पास चलते हैं और वो जो वैन है ना उसे छीन कर लाते हैं। अब वो इस साइड से इधर में आ रही है, रुक जाओ मैं पहले तो गलत जा रहा हूँ, मेरे को नीचे जाना है क्योंकि वो हाईवे से आ रही है ना कि ऊपर से। तो मैं चलता हूँ पहले नीचे हाईवे की तरफ और देखते हैं वो वैन वाला अभी तक कहाँ पर पहुँचा है। पता नहीं भाई, बहुत खतरनाक मिशन है, बंदों को पागल बनाना है गाड़ियाँ चुरा चुरा के। अब उसके बाद चलेंगे हम ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने। बाकी भाई देखो मिशन की शुरुआत ना खतरनाक ही होती है। अब यहाँ पर मैं इसे मार देता हूँ, गाड़ी रोक दो मेरे भाई। अबे गन ही नहीं है मेरे पे, गन कहाँ चली गई? ओ हेलो, रुक जा मेरे भाई, एक सेकंड वेट, मेरे को गाड़ी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी दे दो शांति से, सच्ची बता रहा हूँ बहुत बुरा मारने वाला हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हमने गाड़ी चुरा ली और भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, मुझे मालूम था भैया पुलिस पीछे पड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें पुलिस से पीछे छुड़ाना है और फिर ये जो वैन है वापिस से मेरे को देकर आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, बस हमें आगे से राइट लेना है और हम जो है अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं भाई क्या करना है, मतलब कि भाई लेस्टर कितनी गाड़ियाँ चुरवाएगा हमसे, मतलब भाई एक के बाद एक गाड़ी चोरी करने के लिए बोल रहा है। तो लो भैया ये वाली गाड़ी भी हम यहाँ पर ले आए और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ओके, तो दोबारा से लेस्टर को कॉल लगा दिया, भैया शॉवर क्यों लेने लग गया ये पानी तो वगैरह ऊपर से। ओके, तो यहाँ पर लेस्टर को दोबारा कॉल लगा दिया। ओके, तो लग रहा है मिशन भाई साहब मिशन स्टार्ट हो चुका है गाइस। रात होने का इन्होंने इंतजार करा और अगला दिन हो गया। चलो गाइस, थोड़ा अगला दिन का इन्होंने इंतजार करा था और ये लोग उसी ड्रेस के सेटअप में हो चुके हैं यार, जिसके हम वो बग स्टार से वैन चुरा कर लाए थे और फ्रैंकलिन भी बैठा हुआ है भाई। लिसन टू लेस्टर, पे अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन ही गिव्स यू एंड वी विल ऑल मेक अ बक। Things go bad, okay, तो ये है मेन, ये जो गंजे वाला है ना, ये है मेन करेक्टर इस चोरी का। ये देख रहे हो पूरा जो पीछे बोर्ड लगा हुआ, उस पे इतने सारे चार्ट्स लगे हुए, सारा प्लान इसी का है भाई, सारा का सारा प्लान इसका है गंजे का। अब देखते हैं इसका प्लान जो है फेल जाता है, हम पुलिस से फंसते हैं, यहाँ क्या सीन होता है कुछ नहीं पता अभी, बस चलते हैं देखते हैं क्या सीन है वहां पर। और हमारे साथ फ्रैंकलिन है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे कमजोर वाली फील नहीं आ रही भाई, लग रहा है कि हाँ भाई आज कूट के आएंगे। तो सबसे पहले ओके, तो चलो फ्रैंकलिन हमारी गाड़ी में बैठने वाला है, बाकी चलानी मेरे को पड़ेगी, तो फटाफट से भगाते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। और तीनों गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये लोग भी लेकर आएंगे क्या? ओके, तो इनका पता नहीं, सबसे पहले हमें जाना है ज्वेलरी शॉप पर जाना है ना। चलो भाई सबसे पहले हम ज्वेलरी शॉप पर चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम दोबारा से आ चुके हैं ज्वेलरी वाली शॉप पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाई आगे चलकर क्या करना है। और अभी इस टाइम हमारे साथ फ्रैंकलिन भी आया और ये ज्वेलरी शॉप तो नहीं है, पता नहीं, देखते हैं कोई अलग ही जगह लग रही है। ये ज्वेलरी शॉप शायद यहाँ पर तो नहीं थी, बाकी मेरे को इतना मैप वैप याद नहीं है, बट यहाँ पर हम आए तो किसी काम के लिए। ओके ओके ओके, तो ये वही जगह है जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें ऊपर से एंट्री करनी है शायद, देखते हैं क्या करना है। ओके, वह बैठना है, क्या हो गया? तो मैं गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है। ओके, थोड़ी सी आगे, अब यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, देखते हैं क्या सीन है। ओके, तो फ्रैंकलिन जो है उतर चुका है गाड़ी से। ओके, तो अभी हम फ्रैंकलिन बन चुके हैं और अभी हम सबसे पहले कहाँ पर जाना है? ऊपर जाना है, तो सब चलो भैया छत पर चलते हैं। माइकल ने यहाँ पर छोड़ दिया फ्रैंकलिन को। ओके, चुपचाप चोरी हो रही है भाई एकदम। ओके, तो ये लोग अपना आपस में बातें भी कर रहे हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ इनका कॉन्टेक्ट चल रहा है। तो भाई साहब क्या ही सीन होने वाला है इस मिशन के अंदर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ओ भाई साहब चिड़िया कैसे उड़ के गई, कसम से डरा दिया। तो यहाँ पर हमें वापस से उसी जगह पर जाना है जो कि वैंस था, तो अभी चलते हैं सबसे पहले हम वैंस पर और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। और बाकी तो हम वैसे पहुँच ही गए हैं लगभग, तो यहाँ पर से हमें ये वाली सीढ़ी चढ़ लेनी है। ओके, तो भाई माइकल मतलब यार फ्रैंकलिन जो है बहुत तेज भाग भाग के काम करता है, माइकल थोड़ा आलसी सा लगता है। तो ओके, सबसे पहले हमें इस एरिया पर जाना है, ऊपर चढ़ना है, ठीक है, जहाँ की हमने पहले फोटो खींची थी। भाई सब कुछ खतरनाक ही मिशन लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है मेरे को, ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रही है। तो ओके गाइस, अभी मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और हमें वहाँ पर तो हम पहुँच नहीं सकते। ओके, तो ठीक है, वहाँ पर हमें BZ गैस डालनी है, तो BZ गैस हमारे पास कैसे आएगी, रुक जाओ एक मिनट। तो BZ गैस, ओके ये है BZ गैस, अब इसको मैं डाल तो दूंगा ना इस तरीके से। ओके, तो दूर चली गई शायद, ओह शिट, मैं दूर डाल रहा हूँ एक सेकंड, जहाँ पर एम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली तो उसे डाल दिया, वापस से मेरे को निकलना है क्या यहाँ से? एक आध और डाल देता हूँ, रुक जाओ भाई कोई दिक्कत। ओके 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 ओके, मैंने सही डाला है। ओके, वेंच में से स्मोक आने लग गया है, अब इनको लगेगा कि शायद फायर हो गई है, मतलब कि फायर लग गई है। ओ भाई भाई, ओ भाई सारे बेहोश हो गए इससे। नाइस नाइस नाइस, अपना जो काम था यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जितने भी बंदे थे अंदर मतलब बेहोश हो चुके हैं। फ्रैंकलिन अभी ऊपर ही है, माइकल और जो दो और लोग थे वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सारा चुराना है,
ओके तो ठीक है, तो चुराना यहाँ से हम शुरू करते हैं भाई। सारे डायमंड सारी ज्वेलरी चुराना शुरू करनी है भाई अब यहाँ से। फोड़ 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 माइकल, ओ फटाफट चोरी कर ले माइकल यार। अब रुक जाओ रुक जाओ भाई साहब, कितनी ज्वेलरी है यार, कितनी ज्वेलरी है भाई। सच्ची बता रहा हूँ, ये मिशन पास हो गया ना, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इस मिशन को पास करने में। ये मिशन पास हो गया तो भैया करोड़पति, सीधा करोड़पति। सब तोड़ो भाई, जल्दी उठाओ सारा। ओके तो ये सारा चोरी हमने कर लिया है भाई। भैया अलग अलग जगह कर लो यार, ये सारा चोरी हो गया। और कितना रह रहा है अभी, तो पीछे का भी रह रहा है यार, जल्दी करना पड़ेगा वरना पुलिस वगैरह आ जाएगी। ओके तो बाकी तो सब कुछ हो गया। अरे हटाओ यार चेयर, किसने रख दी यार चेयर ये भाई। शोर कितना हो रहा है, ओ भाई लेक्स में शोर कितना मचा रहा है यार। ओके तो लास्ट रह गया, लास्ट ये वाला भी तोड़ देता हूँ मैं, मेरे को ये भी तोड़ना है। मैं तो ये भी तोड़ूंगा भाई। एक सिक्योरिटी गार्ड आया था भाई साहब, यहाँ पर माइकल ने पकड़ के फेंक दिया बेचारे को। भाई साहब कितने जोर में चोरी कर रहे हैं। ओए ये माइकल कहाँ जा रहा है भाई, माइकल कहाँ चला गया उधर भाई। माइकल ने हमें इधर भेज दिया, वो कुछ कहीं और ही चला गया, मतलब क्या सीन है। उसके पीछे पुलिस जाएगी भाई, वो केला है उसे लपेट देंगे उल्टा। अब मेरे को बस इन तीनों बाइकर्स के साथ रखनी है अपनी गाड़ी भाई। क्या क्या ही पुलिस आ गई है यार भाई साहब, ज़्यादा ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और अब खतरनाक सीन होने वाला है। बाकी तो मेरे को कुछ नहीं कह रहे पुलिस वाले, मैं आराम से। ओ नहीं नहीं पड़ रही है भाई, मेरे को ही मार रहे हैं। बाइक चलाने का मजा ही अलग है, लेकिन यार टेंशन मत करो, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस मैं गिरूँ ना बाइक से। बाकी मैं बेस्ट देने वाला हूँ अपना पूरा। ओके तो यहाँ पर हमें एक टनल के अंदर जाना है, ठीक है। ओके तो भाई टनल के अंदर भी अब हम, ओ भाई बच गए बच गए बच गए, इन्हीं के साथ रखूँगा एकदम। जैसे ये लोग चला रहे हैं वैसे ही चलाऊँगा भाई। ओके तो यहाँ से बस हमें सीधे टनल में भगाना है भाई। पुलिस वाले अंदर तो नहीं आ रहे होंगे यार, यहीं पर रोक लेते तो बढ़िया रहता, पता नहीं। काफ़ी ख़तरनाक चोरी हुई है। अब ये जो ट्रैम के रास्ते बन रहे हैं, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं भाई, सही है। ओके तो भाई साहब ये लोग भी अच्छी चला रहे हैं बाइक, एकदम भगा रहे कुत्तों की तरह। ओ भाई शिट, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, निकल जा भाई, मैं बहुत तेज चला रहा था। ओके तो बाकी हमें यहाँ से राइट लेना है। लेस्टर जो हमें सारी की सारी कमांड्स दे रहा है कि हमें किस तरीके से चोरी करनी है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है किस टनल में जाना है। तो पूरा पुलिस को भी ट्रैक कर रहा है घर पर बैठ के, पता नहीं क्या सीन है। ओ भाई 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 ये नालों में ले है क्या। ओके तो हम नालों में आ चुके हैं भाई साहब। बाकी लॉस सैंटोस कितना तगड़ा है भाई, जितना ऊपर बना हुआ है उतना ही नीचे भी बना हुआ है इसके रास्ते। चलो तो यहाँ पर अभी हम लगभग पूरा टनल के अंदर भगा रहे हैं और पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ने वाले, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके भाई काफ़ी ख़तरनाक मिशन था और चोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी चोरी है। अभी भी मेरे को नहीं लग रहा कि यार पुलिस वाले छोड़ने वाले हमें, अब नहीं लग रहा, क्योंकि यार छोड़ना होता तो अभी तक छोड़ चुके होते, काफ़ी देर हो गई है और अभी भी पुलिस वाले हमें ढूंढ रहे हैं। लग रहा है पूरी सिटी में खबर फैल चुकी है कि हम चोरी करके भागे हैं, हमें पकड़ना है। ओके भाई ये कौन से टनल में आ गए हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके तो चलो यहाँ से फाइनली हम बाहर हो जाएंगे। ओके तो बाहर होकर हम रोड पे तो नहीं आए, कोई टनल में। ओए अब हम ये ड्राइवर बन गए हैं, चलो ठीक है। तो हमें करना क्या, अच्छा इन कॉप्स को भगाना है यहाँ पर इस ट्रक से। ओ ओ ओ, ओ भाई शिट मैन खड़े हो जा, बस 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 भाई उनको ना मार दे पहले, मैं उन वाले गाड़ियों को हटा देता हूँ उनके पास से। रुक जा बेटा, उनको लगनी नहीं चाहिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ तेरी भैंस की, हट साले। अच्छा ये वाली गाड़ी ये लोग इसीलिए लाए थे भाई, ये बहुत पावरफुल व्हीकल है, टक्कर मारते ही साइड कर देता है। ओके बाकी थोड़ा सा स्लो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको मैं जाने ही नहीं दूंगा। चलो साइड हो जाओ बेटा, बाइकर्स को आज जाने दो। भाई 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 क्या टक्कर मारी है इसने जाकर भाई। ओके ओके तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले सीधा येलो मार्क पर जाना है। चलो भाई साहब क्या सीन था, वो लोग भी बाइकर्स भी अपना जा रहे हो रहे हैं, पुलिस वाले तो कुछ नहीं कह रहे ना, ठीक है। शायद हम यहाँ पर यार पीछे भी एक और आ रही है गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है, मेरे को यहीं पर रुक जाना चाहिए। आने दे बेटा, आ जाओ जाओ जा, तुम लोग जाओ। अबे तू क्या अंधा है क्या यार, भाई फ्रैंकलिन कसम से अंधा है भाई, क्या यार राइट से जा सकता था आराम से भाई, मतलब कि क्या मजे हो रहे हैं भाई साहब। चलो यार दोबारा करना पड़ेगा यहाँ से, यार माइकल जा सकता था आराम से राइट से, ओ फ्रैंकलिन मींस क्या यार। चलो अभी हम दोबारा से माइकल से मतलब फ्रैंकलिन से इस वाले करेक्टर पर आ जाएंगे और चलते हैं, अब नहीं छोड़ूंगा इन्हें।
हटाओ सालो गाड़ी तुम्हारी ऐसी की तैसी, और मैं फिर से ठुका भाई, मतलब कि मजाक हो रहा है भाई, क्या घटिया ड्राइवर हूँ मैं। ओके तो मेरे साथ एक बंदा और बैठा हुआ, पता नहीं कौन है, अब मैं इनको मरने नहीं दूंगा, रुक जाओ। पिछली बार मेरी वजह से ये लोग मरे थे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इस बार नहीं मरने दूंगा भाई। काफ़ी सारी पुलिस है, साइड हो बेटा तुम, अब तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम हल्के में ले रहा हूँ, चल साइड हो, तू भी आ जा बेटा, तू भी आ जा, तेरे को भी साइड बना, तेरी होली बनाएंगे आज। हाँ ओके, तो काफ़ी पीछे रह गया यार वो, तो आराम से चलने दो। बाकी मेरे को इन तीनों बाइकर्स को कवर करना है और कुछ नहीं करना, मेरा छोटा सा काम है। पुलिस वाले भी मेरे को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि जो मेरा व्हीकल है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चल बेटा साइड हो, धुआं ही निकल जा रहा है इनके पड़ते, साइड हो जाओ बेटा, साइड हो जाओ, सब लोग साइड हो जाओ अभी। ओके तो बाइकर्स लोग अपना भाग रहे हैं फटाफट से, और मैं भी इनके पीछे, मैं ही ना टक्कर मार दूँ कहीं ना जाकर। ओके चलो 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 भैया चलो। ओके तो कॉप्स जो थे हमें छोड़कर जा चुके हैं, मतलब कि वो हमारा रास्ता भूल चुके हैं, हमें ढूंढ नहीं पा रहे होंगे अब वो। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ भाई, मतलब कि बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया पुलिस वालों से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ओ अच्छा, बाइकों, इनके सारा सामान तो इनके पास था, ये तीनों बाइक लेकर अंदर घुस गए हैं। चलो भाई अभी हमें जाना अपने मार्ग पर। चोरी जो है हो चुकी है, इतनी भी हार्ड नहीं थी, मेरे को लगा था यार गोलीबारी होगी ये सब होगा, बट उतनी भी हार्ड नहीं थी। बाकी यार ड्राइविंग जिसकी अच्छी है उसके लिए चोरी आसान है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। एक बार ही गलती हुई थी मेरे से, मैंने उसी को टक्कर मार दी थी जाकर, मतलब टक्कर मैंने नहीं मारती, मैंने उसको ओवरटेक करा, वो बेचारा मेरी गाड़ी में आगे ठुक गया। फ्रैंकलिन मतलब यार फ्रैंकलिन घटिया बाइक चला रहा था। ओके तो अभी हम यहाँ से यू टर्न लेना और हम अपने मार्ग पे पहुँच जाएंगे। ओके तो हम वापस उसी जगह पर आ चुके। ओ ओ ओ भाई हेलो, सॉरी 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 सॉरी। ओके तो ये कौन सी जगह है यार, यहाँ पर तो हम पहले कभी भी नहीं आए। ओके तो चलो फिलहाल अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर, लग रहा है अपने पैसे आपस में ये लोग बांटेंगे, देखते हैं अभी क्या पता इनके बीच भी कहीं लड़ाई ना हो जाए कि मैं ज़्यादा लूँगा तू ज़्यादा लियो। ओके तो लेस्टर भी आ चुका भाई साहब, इसी का प्लान है गंजे का सारा। Shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? Okay, तो अभी पता नहीं क्या सीन है, इन दोनों की आपस में बात चल रही है, अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है इसके बाद। ओके तो चलो भाई, जो अपना मिशन था, जो कि ज्वेल स्टोर पे हमने चोरी करनी थी, वो हमारा मिशन पास हो चुका है। काफी बढ़िया मिशन था, मतलब चोरी करने में मजा आ गया। ओके तो गाइस जो चोरी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और लेस्टर ने भी यहाँ पर फ्रैंकलिन को मैसेज कर दिया कि जो उसके पैसे हैं उसके जल्दी अकाउंट में आ जाएंगे। बढ़िया बात है, मतलब कि यार अब दोनों ये लोग अमीर होने वाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कल जो गेम प्ले जरूर अच्छा लगा, अच्छा लगा तो फटाफट सभी लोग जाकर वीडियो को लाइक ठोक देना। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।